हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास में हम लोग देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान केंद्र की गति। द्रव्यमान केंद्र हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट टर्न पे, सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र की गति को बताना है हमको। तो लेट देयर आर एन पार्टिकल इन ए सिस्टम एंड एम वन एम टू एम थ्री एंड डैश 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 एम एन आर द मास ऑफ दीज पार्टिकल्स। हमने कंसिडर किया, लेट देयर आर एन पार्टिकल इन ए सिस्टम एंड M1, M2 and M3 dot dot dash MN are the mass of these particles. Mass of these पार्टिकल्स। तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा इसका? इसका सेंटर ऑफ मास होगा आर सी इज इक्वल टू, ये चीज हम लोग जानते हैं, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस एम थ्री आर थ्री प्लस कहाँ तक जाएंगे, एम एन आर एन तक। आर हमारे पोजीशंस वेक्टर्स हैं, तो सब में हम वेक्टर लगा देंगे और अपॉन कैपिटल एम, जहाँ पे एम जो है वो टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, यानी कि निकाय का कुल द्रव्यमान है। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, कंसीडर कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी आर सी अपॉन डी टी, वी विल गेट वन अपॉन एम M1 TR1 upon DT plus M2 TR2 upon DT plus M3 DR डी आर थ्री अपॉन डी टी, और इसी प्रकार से हमको मिल जाएगा एम एन डी आर एन अपॉन डी टी, ये मिल जाएगा। अब देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, पोजिशन अपॉन टाइम, इसको लिख सकते हैं बी सी, यानी कि वेलोसिटी। इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन एम, इसको लिखेंगे एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम एन वी एन।
अब देखिए यहाँ पर V को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ, यहाँ पे VC है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस VC को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब क्या करेंगे, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे टी की रिस्पेक्ट में। तो जब टी की रिस्पेक्ट में आप इसको करेंगे फिर से डिफरेंशिएट तो आपको मिल जाएगा टी वीसी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एम वन डी वी वन अपॉन डी टी प्लस एम टू डी वी टू अपॉन डी टी एंड प्लस एम एन डी वी एन अपॉन डी टी। अब देखिए ये जो है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए सी, एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। तो मैं बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ, देखिए लिखते हैं ए सी। तो इसी तरीके से आपको अंदर भी मिल जाएगा 1 अपॉन एम एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस एम एन ए एन, इस तरीके से मिल जाएगा। अब देखिए ये जो अपॉन में एम है ये वाला, इसको उधर की तरफ रिप्लेस कर देंगे तो मिल जाएगा आपको एम ए सी इज इक्वल टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू एम एन ए एन, ये इक्वेशन नंबर मिल जाएगी आपको थर्ड। ये देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गई आपको। अब देखिए एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ पर आपके पास है एम ए सी इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू और इस तरीके से ये एफ एन। तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। अर्थात निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का गुणनफल निकाय के प्रत्येक कण पर लगने वाले बल के योग के बराबर होता है। निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का गुणनफल निकाय के प्रत्येक कण पर लगने वाले बल के योग के बराबर होता है। लिख लीजिए आप लोग इसको, हिंदी और इंग्लिश में मैं दोनों में बोल दे रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। इसको हिंदी में लिखेंगे, निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का गुणनफल
निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का गुणनफल निकाय के प्रत्येक कण पर लगने वाले बल के योग के बराबर होता है। चलिए देखते हैं। तो ये हम लोगों ने लिखा एम ए सी और ये हमारे पास है एफ एक्सटर्नल यानी कि बाह्य बल। एक्सटर्टेड फोर्स है यानी जो फोर्स लग रहा उसके बराबर है। अगर हम कह दें इफ मान लेते हैं कि एफ एक्सटर्टेड इज इक्वल टू जीरो तो फिर एसी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। और अगर एसी की वैल्यू जीरो हो गई तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी वी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि वी सी क्या होगा कांस्टेंट होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे वी सी का डिफरेंशिएशन जीरो है इसका मतलब है वी सी की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर इफ एफ ई एक्स टी इज ज़ीरो तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट इफ ई एफ ई एक्स टी इज ज़ीरो अर्थात यदि बाह्य बल एफ एक्सटर्नल यदि बाह्य बल जीरो हो तो द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं पे। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं रेखीय संवेग। रेखीय संवेग कहते हैं। फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये फार्मूला होता है। तो हम लोग लिखेंगे इसको द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ये मास है और ये वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम अर्थात किसी कण के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यहाँ पर p संवेग है यानी कि मोमेंटम है, m द्रव्यमान है यानी मास है, v वेलोसिटी है। अब मान लेते हैं कि लेट द सिस्टम हैविंग n पार्टिकल। मान लेते हैं किसी सिस्टम में n पार्टिकल है, n निकाय हैं, माना किसी निकाय में n कण हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल टू पी वन पी टू पी थ्री और ये पी एन। तो अब हमारे पास देखिए पी वन को लिख सकते हैं एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री प्लस डेड डेड डैश एम एन पी एन। अब हम इसको कंबाइंड करके अगर लिखें तो लिमिट लगा देंगे हम आई इज इक्वल टू वन से लेकर के कहाँ तक एन तक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम आई वी आई जहाँ पर आई की वैल्यू है वन टू थ्री और कहाँ तक एन तक। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू कैपिटल एम वी सी यानी कि ये हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र के टर्म में यानी कि इन द टर्म्स ऑफ
सेंटर ऑफ वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे बी सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो अब देखिए, न्यूटन्स का सेकंड लॉ हमारा ये कहता है, फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ हमारा ये कहता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी। अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, तो देखिए हमको क्या मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर एक है, और इक्वेशन नंबर एक को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी की रिस्पेक्ट में, तो हमको मिल जाएगा डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम डी वी सी अपॉन डी टी, यानी कि ये मिल जाएगा एम इंटू ए सी, मिल जाएगा एम इंटू ए सी, और ये इज इक्वल है एफ के, किसके इक्वल है एफ के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डी पी अपॉन डी टी एफ के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ पी इज कॉन्स्टेंट, पी इज कॉन्स्टेंट। ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में